वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी सवेरे के 8 बज चुके हैं और सूर्य देवता हमारे निकल चुके हैं। ये देखिए, आज मौसम खुला हुआ है, बढ़िया धूप है चारों तरफ। हालांकि अब फरवरी का महीना है, धीरे धीरे ठंडी कम हो रही है, पहले से कम पड़ रही है ठंडी अब। ओके गाइस, आज हमारे पास एक ठो गाड़ी सेल के लिए आई थी जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो है। दिखाएंगे आप लोगों को कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस है। कल वो शाम को हमारे पास सेल के लिए आई थी, अभी सवेरे 8 बजे वही खेत साइड घूम रहा था। ये देखिए, ये लगी हुई है गेहूं की फसल। ये तमाम यहाँ से लेके वो पूरा एरिया, वहाँ तमाम गेहूँ गेहूँ एक तरफ से। फसल काफ़ी अच्छी है गेहूँ की, दिखाते हैं आप लोगों को पास में चल के। ये देखिए, ऐसे पौधे हैं, काफ़ी बेहतरीन हैं। ऐसे इधर साइड के भी हैं। इसमें क्या है कि किनारे किनारे राई बोई हुई है गेहूं के साथ सरसों, और बीच में पूरा एकदम से गेहूं ही है जितना भी है। और इसमें सेकंड पानी हो चुका है, थर्ड पानी की तैयारी है अब। और फर्स्ट पानी और सेकंड पानी में जिंक और जाइम का छिड़काव कर दिया गया था। इसमें खरपतवार की दवाई का भी छिड़काव किया गया है। ये देखिए, राई वही कैसे एकदम पूरा जल गई है। सरसों का पौधा तो पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है उससे, दवाई के छिड़काव से। और ये किनारे किनारे ये देखिए, जैसे ये सरसों बोई हुई है लेकिन इसको बचा दिया गया है, बीच में पूरा एकदम कीटनाशक का छिड़काव कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा हरा भरा खेत इस समय लगता है, बहुत ही अच्छा व्यू है। देखिए हमारे आगे पीछे तमाम हरियाली ही हरियाली। ये पूरा एरिया यहाँ तक, इसमें पहले धान की फसल लगी हुई थी और इसके बाद गेहूं की। हालांकि वो लोग बोलते हैं कि धान की फसल के बाद गेहूं की फसल थोड़ा डाउन रहती है, लेकिन अगर खाद जिंक जाइम बराबर बढ़िया उनको मिलता रहे तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। पानी, खाद, जिंक जाइम, सभी प्रकार के अगर पोषक तत्व उनको मिलते रहेंगे तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हमको तो ज़्यादा फर्क कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए, इसमें तमाम धान की ही फसल थी। ये देखिए, ज़्यादा प्रभाव हमें समझ में आ नहीं रहा है। जहाँ भी है अच्छी है। आ चुके हैं हम खेत के किनारे पे। हालांकि मसूर की फसल अब धीरे धीरे तैयार हो रही है, करीब एक महीने 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, यहीं बगल में हमारे खेत में लगी हुई है मसूर की फसल, और राई उसमें पूरे में बोई हुई है। राई तो अभी फूल पे है। इसको सरसों राई दोनों बोलते हैं, सरसों भी बोलते हैं राई। ये देखिए, ये मसूर एकदम फल चुकी है, छोटे छोटे इसमें इसके फल लग रहे हैं। अभी फूल भी है, 20 से 25 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये मान लीजिए कि 10 दिन में ये बढ़िया एकदम पूरा एक तरफ से पूरा एकदम कंप्लीट फर के कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद करीब महीने भर में ये कंप्लीट हो जाएगी काटने के लिए। ये देखिए, यही बगल से ये
पूरे में, इस खेत में पूरे में वही मसूर की और सरसों की फसल है, और इसके बगल में ये गेहूं आपको दिखाए ही, ये देखिए, ये काफी अच्छी फसल है। टाइम भी अब चल रहा फरवरी का, हालांकि ये लेट भी है। हमारे एक वो जो आगे खेत है हमारा, यहाँ से घर से थोड़ा दूर है, वहाँ तो पूरा एकदम से निफर के कंप्लीट हो चुका है गेहूँ। मैं ये शायद फरवरी के बाद वो पक के भी कंप्लीट हो जाए, उससे ये काफ़ी लेट है, पर तब भी अच्छा है, लेट बोया हुआ है तो लेट है। ओके गाइज, अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है, कितनी प्राइस है। हमारे पास सेल के लिए आई थी, लेकिन कल शाम को आई थी, कल हम दिखा नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए, वही आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बताइएगा, किसी को ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं गाड़ी। अगर यह वीडियो पसंद आएगी तो प्रियेश भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अब देखेंगे गाड़ी हम लोग। जी दोस्तों, आज की महिंद्रा स्कॉर्पियो हमारे पास गाड़ी सेल के लिए है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2013 मॉडल, जो कल हमारे पास सेल के लिए आई थी। गाड़ी मेंटेन काफ़ी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी का अभी करीब 15 दिन पहले पूरा कंप्लीट मेंटेनेंस कराया गया है, जो जैसा काम था। किसी को भी ज़रूरत होगी तो बताइएगा। MP17 पासिंग है गाड़ी। ये गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं आप लोगों को। ये इसका मीटर देख लीजिए, मीटर का व्यू, 66,900 किलोमीटर गाड़ी चली है। गाड़ी एकदम वेल कंडीशन है, इंटीरियर भी एकदम फ्रेश ही दिख रहा है। गाड़ी में भले 2013 मॉडल की गाड़ी है, लेकिन मेंटेनेंस का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है। गाड़ी का कोई भी गाड़ी हो, सबसे बड़ी बात है उसमें मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का भरपूर ख्याल रखा गया है। किसी को भी ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आनर इसकी प्राइस अभी 5,50,000 रुपये रखे हैं, और जो कि मार्केट प्राइस है, गाड़ी देखने के बाद रेट में प्लस माइनस अभी करेंगे। अभी उन्होंने बोला है कि मार्केट प्राइस है, जब कोई लेने आएगा गाड़ी देखेगा उसमें प्लस माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।